Hello viewers, welcome to my channel. Today with another question of trigonometry from exercise 8.1. I'm Rashmi, your maths teacher, and the question is, if angle A, question number 6 from 8.1. Question number 6, if angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. तो ये तो हमारे लिए हो गया helpful कि हम इसको use करके ये proof करेंगे. अब question में समझने वाली बात ये है कि ये acute angles क्या होता है. यहाँ पे आपको given है कि angle A और angle B acute angles है और ये हमारे लिए इसको proof करने के लिए हम इसको यूज करेंगे. ओके, तो एक्यूट एंगल समझने के लिए फर्स्ट आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है आपके माइंड में सिर्फ एक ही ट्रायंगल आना चाहिए, वो कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल. तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल. ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सारे राइट एंगल ट्रायंगल से ही होंगे और वो भी सारे जो भी आपको साइन कॉस टैन रेशियो गिवन है ना, वो सिर्फ एक्यूट एंगल्स के लिए गिवन है. 90 डिग्री एंगल के लिए यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सॉल्व नहीं है, सिर्फ एक्यूट एंगल्स के लिए. ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल. अब ट्रायंगल में तीन ही तो एंगल होते हैं, एक आपका होता है 90 डिग्री और दो रिमेनिंग जो एंगल है वो उन दोनों एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल. अब मैं आपको बता दूं एक्यूट एंगल एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी एंगल एक्यूट है. तो हम क्या कर लेते हैं, एंगल ए यहाँ राइट कर लेते हैं, सॉरी इसको साइड से, एंगल ए ये बी और सी. तो सबसे पहले तो हम लेट करते हैं कि एंगल सी इज 90 डिग्री. ओके, तो एंगल सी हमने लेट कर लिया कि वो 90 है. अब ये एंगल ए और एंगल बी के, अब राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. ओके, अब एंगल सी अगर 90 है, ठीक है, मैं आपको यहाँ साइड में समझाती हूँ. अगर एंगल सी हमने लेट किया ना, भैया एंगल सी हमारा 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं. 90 ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? तीनों एंगल का सम ट्रायंगल में होता है 180 डिग्री. एंगल सी हमारा 90 है तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. तो इसको हम उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो गया 180, ये प्लस 90 उधर जाके माइनस 90, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया? 90 डिग्री. ओके, तो एक एंगल 90, तो रिमेनिंग टू एंगल का सम कितना है? 90. अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एंगल मिलकर इसको 90 बना रहे हैं. अब ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं लेकिन जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि जीरो होने से ट्राइंगल नहीं बनेगा. तो कोई ना कोई एंगल है जिन दोनों का सम इनको 90 बना रहा है, चाहे वो 60-30 हो, 45-45 हो, 50-40 हो, सम आपका 90. तो ये जो भी एंगल का सम 90 से कम होता है, जो भी एंगल है वो 90 से कम होंगे, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल. तो एंगल ए और एंगल बी दोनों मिलके 90 बना रहे हैं, इसलिए 90 से तो ग्रेटर कभी नहीं होंगे, लेकिन इनका सम आपका क्या होगा? 90. तो 90 बनने के लिए लेट के एंगल ए अगर 30 है तो एंगल बी को कितना होना पड़ेगा फिर? 60. ओके, तो ये दोनों एंगल फिर एक्यूट हो गए क्योंकि दोनों ही 90 से कम है. तो ऐसे बहुत सारे पेयरिंग हो सकती है दो ए और बी की. हम 10 लेंगे तो 80 हो जाएगा, 20 लेंगे तो ऐसे करके बहुत सी पेयरिंग इसमें हो सकती है. ओके, तो ये आपका हो गया एक्यूट एंगल, तो अब आपको समझ में आ गया. अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर. अब यहाँ पे देखो ये है हमारा क्वेश्चन, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. गिवन हमें क्या है? कॉस ए इक्वल टू कॉस बी. तो यहाँ पे हमें कोई एंगल की वैल्यू तो हमें यहाँ गिवन नहीं, ना यहाँ पे हमें कोई रेशियो गिवन है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इन्हीं की, ए कॉस ए और कॉस बी को साइड की रेशियो में हम पुट करते हैं. तो वो क्या होता है, पहले यहाँ देखते हैं हम कॉस किसका रेशियो होता है. तो यहाँ पे वही पंडित भोले प्रसाद, डिनोमिनेटर में हर हर भोले. ओके, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, कुछ भी आप याद कर सकते हो. कॉस, कॉस का रेशियो कौन सा होता है? ये साइन और ये कॉस. तो कॉस कितना होता है? बी अपॉन एच. तो ये हमारा रेशियो हो गया बी अपॉन एच, और ये भी हो गया बी अपॉन एच. दोनों सेम ही तो है, कैंसिल नहीं होंगे.
नहीं यहाँ पे कैंसिल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये ए है और ये बी है, एंगल दोनों के डिफरेंट है, रेशियो तो यही आएगा, कॉस का मतलब तो यही होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पे एंगल बी है। अब यहाँ पे देखो ये भी है, हम पहले एंगल ए की बात करते हैं, ये एंगल ए, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस पर पेंडिकुलर एरिया कौन होता है, ये एंगल ए है। तो मैंने आपको कहा था जब भी कोई एक्यूट एंगल बनता है तो हाइपरटेनियस और बेस के बीच में बनता है, उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हम ए, अभी एक्यूट एंगल ए की बात कर रहे हैं, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपरटेनियस है, ठीक है। तो कॉस ए के लिए बेस कितना हो जाएगा, ए सी, और हाइपरटेनियस कितना हो रहा है, ए बी। ओके नाउ कॉस बी के लिए, अब या तो हम इसको चेंज कर लें या फिर एक्यूट एंगल को हम क्या कर रहे हैं, एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक और ट्राइंगल ड्रॉ करने से आपको इजीली समझ में आएगा, हमने ये एक और ट्राइंगल ड्रॉ किया क्योंकि जो भी एंगल का रेशियो हमें लिखना है वो हमारा कहाँ होना चाहिए, बेस पे। सी तो हमारा सेम रहेगा, सी से हमारा कोई वो नहीं है, एंगल बी हमें कॉस बी की वैल्यू चाहिए ना, तो हम ए को यहाँ राइट कर लेते, बी को यहाँ राइट कर लेते। ओके अब एक्यूट एंगल हमारा बेस पे आ गया, तो बेस के जस्ट सामने क्या हो गया, फिर परपेंडिकुलर, और बी के लिए ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपो। समझ में आ गई, अब जिस भी एंगल का हमें रेशियो राइट करना होता है वो एंगल बेस पे होना चाहिए। तो हमने ट्राइंगल, या तो आप इस शीट को ऐसे घुमा दो कि ये आपका परपेंडिकुलर यहां आ जाए और बेस यहां चले जाए, या फिर आप एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। अब इसके लिए कॉस बी के लिए, बी के लिए हमारा बेस कितना है, बी सी, और हाइपरटेनियस कितना है, ए बी। हाइपरटेनियस कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है आप क्रॉस मल्टीपल कर लो फिर कैंसिल कर लो, लेकिन डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। ओके तो ए बी से ए बी कैंसिल, तो अब क्या बच गया, सिर्फ ए सी इक्वल टू बी सी। ओके ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिवाइड में नंबर सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो ए बी को आप यहां मल्टीपल करो, इस ए बी को यहां मल्टीपल करो, तो यहाँ पे ए बी मल्टीपल में, यहां भी कॉमन मल्टीपल में, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां पे देखो ए सी इक्वल टू क्या हो गया, बी सी, ए सी इक्वल, ए सी कोई भी ट्राइंगल लेते हैं, ए सी इक्वल बी सी, ये ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से देखते हैं, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, सी से बी और सी से ए दोनों लेंथ इक्वल है, तो आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर साइड्स इक्वल है तो उससे रिलेटेड एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए सी का एंगल, ए सी के जस्ट सामने कौन सा है, ए बी, और बी सी के जस्ट सामने कौन सा एंगल है, ए, या फिर ए सी से बनने वाला एंगल ए और बी सी से बनने वाला एंगल बी, तो एंगल ए इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल बी। तो ये हमारा इसमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, लेकिन रीजन इज एंगल्स अपो, या आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इस रीजन की वजह से दोनों साइड इक्वल है, तो इस रीजन की वजह, इस प्रॉपर्टी की वजह से, या इस स्टेटमेंट की वजह से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा, बहुत इजी है। और अब एंगल से आप इसका, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा, जो भी एंगल का रेशियो आपको राइट करना है वो एंगल बेस पे होना चाहिए, या तो आप उस ट्राइंगल को रजिस्टर को मोड़ के, पेपर को फोल्ड करके परपेंडिकुलर को बेस बना लो, या सबसे अच्छा तरीका एक ट्राइंगल और ड्रॉ कर लो। ओके अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए, अगर आपको मेरे क्वेश्चन वीडियो अच्छे लग रहे हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू।